वक्त के साथ आगे बढ़ना, बेहतर होना, उससे ही तरक्की कहते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ये नई स्कॉर्पियो N। लेकिन कुछ लोग पुराने ही ख्यालों में खोए रहते हैं और ये बात कुछ समझते नहीं है। देख भाई, पुराने क्लासिक गीतों का रीमिक्स बनाने से ना वो बढ़िया ना हो जाते, उसी तरह यो रीमिक्स स्कॉर्पियो मेरी स्कॉर्पियो के सामने टिक ना सके। वो क्या कहते हैं इनकी भाषा में, ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड तेरे लिए परफॉर्मेंस, सेफ्टी, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे है भाई, लेकिन यो गाड़ी इससे 10 लाख रुपए महंगी भी तो है। अब इतने में मैं विधायक जी की यूज करी हुई फॉर्च्यूनर ना ले आऊं। एक बात बताऊं, तेरे गाड़ी से ये गाड़ी सस्ती है वैसे? भाई साहब को बुखार हो गया लगता है। यो गाड़ी इससे सस्ती, वो कैसे? उस बारे में बाद में बात करते हैं। अब ये समझाता हूँ कि ये गाड़ी एक रीमिक्स नहीं बल्कि एक सुरीला नया गाना है जो सबको पसंद आएगा। देखो भाई, जो टशन है ना वो तो अपनी क्लासिक स्कॉर्पियो का ही है। अगर किसी बच्चे को भी बोल दोगे एक SUV का ड्राइंग बनाने को, तो वो आपको यही स्कॉर्पियो बना के देगा। और इस गाड़ी को देख के ना वो फुल पावर वाला फीलिंग आता है। और इसका बोनट भी अपने आप खुल जाता है। एक सेकंड विधायक जी पीपी, हाँ उठा लिया उसको, उठा से। कुछ गलत नहीं बोल रहा हो? मुझे भी गाड़ी ज़्यादा पसंद है दिखने में, इसमें ज़्यादा एक डोमिनेटिंग प्रेजेंस आता है। हाँ, लेकिन नई गाड़ी भी बुरी नहीं है। साइज़ के मामले में ये पुरानी गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, इसके व्हील्स भी बड़े हैं। लेकिन ये हो गई हमारी बात। आप कौन से टीम में हो, टीम क्लासिक या टीम N में, हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अरे विधायक जी आपने बोल दिया, समझो काम हो गया। हाँ पीपी, यो देखो कितना सिंपल, सोबर और सुशील, और ज़्यादा बटन भी ना है इस कैबिन में, तो गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना होता। और विधायक जी के बॉडीगार्ड्स को इससे ज़्यादा फीचर की ज़रूरत कहाँ है? देख तू जो भी बोल रहा है ना, मैं किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ। चल मान भी लिया, सेफ्टी का क्या, बॉडीगार्ड्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कुछ ही है ना। तो आपकी तो सेफ्टी फीचर्स में अभी भी इसमें 2 ही एयरबैग आते हैं, ABS और EBD के अलावा आपको और कोई भी फीचर नहीं मिलता। स्टोरेज स्पेस का क्या, यहाँ पे आगे सिर्फ एक बॉटल होल्डर, फोन रखने के लिए भी ठीक से जगह नहीं है, इसके 2 पॉकेट्स भी यूजलेस हैं, और ये स्क्रीन, ये तो आफ्टर मार्केट है ना, इसमें एंड्रॉयड ऑटो है ना एप्पल कारप्ले। देखो जिन रास्तों पे हम निकलते हैं ना वो गूगल और सिरी जानते भी ना है। और कप होल्डर की बात रही तो वो तो मुझे भी पता है, आपकी N में ना एक ही आता है 4x4 वाले वेरियंट में। लेकिन 4x4 तो है, चल वो सब छोड़ दे, N में बैठते हैं। फ्यूचर विधायक जी ये लीजिए। अरे नहीं उसकी जरूरत नहीं, बटन स्टार्ट है। नहीं पावर्ड है, आराम से कर लीजिए। अब बताइए कैसे लगे गाड़ी, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, इसका स्क्रीन भी बेहतर है, डिजाइन भी ज्यादा अच्छा है, MID भी बेहतर है, अब बोलिए। भाई साहब देखो बात ऐसी है कि सख्त लौंडे हैं, सॉफ्ट वर्ड का जरूरत ना है हमें, और ये सॉफ्ट मटेरियल है ना ये विधायक जी की फॉर्च्यूनर में ही बढ़िया लागे हैं, हम उनकी बराबरी थोड़ी करेंगे। अरे सर फैल के बैठिए, आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी में एज कम्पेयर टू योर क्लासिक। उतना ही नहीं, आपको रियर AC वेंट्स के साथ ब्लो कंट्रोल्स, आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है, और हाँ सेंटर आर्मरेस्ट में आपको 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। तो आप क्या, आपके विधायक जी भी यहाँ पे आराम से सफर कर सकते हैं। देखो भाई ये बात तो मैं मानता हूँ कि इधर जगह ज्यादा है, लेकिन वो सोफे वाली जो सीट होती है ना वो तो आपको क्लासिक में मिलती है, और उसकी छत भी ऊपर है तो कितना बढ़िया खुला खुला लगता है जब उसमें कहीं जाते हैं तो। और अगर विधायक जी हमारी गाड़ी में आके बैठेंगे तो हम यहाँ थोड़ी बैठेंगे, हम तो पीछे बैठेंगे ना, और उस मामले में तो आप भी मानते ही हो कि 19-20 का ही फर्क है। हाँ थर्ड रो स्पेस स्कॉर्पियो N में भी कुछ खास नहीं है। स्कॉर्पियो क्लासिक में अच्छी बात ये है कि थर्ड रो को हटा के पूरा बूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बूट देखना है? खोलो। इसमें ज्यादा सामान नहीं आता। वो तो दिख ही रहा है, इधर आओ। अरे आप परेशान मत हो, ये देखो इतनी जगह है, सामान तो छोड़ो, इसमें तो हम पूरा
डाल लेते हैं। हाँ उठा लिया उसको, उठा। गाड़ी चलाने में तो ना एकदम स्मूथ है ये क्लासिक भाई, किसी भी गियर में हो किसी भी स्पीड में हो बड़ी आराम से प्यार से उठती है गाड़ी, बस क्लच छोड़ दो और चलने लग जाती है, और पिकअप भी इसका एक नंबर। मगर एक बता, ये रस्तों पे इतना हिलती क्यों है? अरे रस्तों के लिए बनी ना है ना ये, रस्ते से उतार के तो देखो क्या उड़ती हुई जाती है। खराब रास्ता हो नहीं हो गड्ढे हो पता ही नहीं चलता, किसी पे भी चढ़ कहीं भी चली जाती है। तूने स्कॉर्पियो एन चलाई? चलो भाई मान लिया आपकी बात, ये गाड़ी कोई रीमिक्स ना है, ये गाड़ी अपने आप में एक नया गीत है। अरे लेकिन ये उससे महंगी भी तो है। नहीं है, इसका Z6 वेरिएंट, उसमें आपको ज्यादा बेहतर टच स्क्रीन, एक सनरूफ, दमदार परफॉर्मेंस और ज्यादा सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, और इसके टॉप एंड वेरिएंट से वो 50,000 रुपए सस्ता है। क्या बात कर रहे हो, उस गाड़ी से भी सस्ता? अरे ये तो विधायक जी को बताना पड़ जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि आज भी इस गाड़ी का चार्म बरकरार है, और क्योंकि महिंद्रा ने ओवर द इयर्स इस गाड़ी को इम्प्रूव किया है, ये आज भी चलाने के लिए काफी अच्छी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसके फैन बॉयज यही गाड़ी क्यों खरीदेंगे। विधायक जी पीपी, अब मैं ये कह रहा था आपको कि जो अपन ने 5 स्कॉर्पियो बुक करी ना, उसमें से 2-3 गाड़ी अपन वो नई एन वाली कर देते। अरे नहीं नहीं पैसे बचेंगे उसमें। अरे हाँ अभी कार देखो का नया वीडियो आया, वो मैं भेजता हूँ आपको, सब समझाया उसमें उन्होंने। ये शेयर कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए एंड सब्सक्राइब भी। हाँ हाँ अरे हाँ मैं आता हूँ, गाड़ी लेके आता हूँ मैं आपके पास। पीपी